हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम में सबसे पहले आपका आता है एम्पियर का तैरने का नियम, फिर इसके बाद आपका है स्नो का नियम, फिर आपका है दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। तो ये सब के नियम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्पियर का तैरने का नियम। एम्पियर का तैरने का नियम क्या होता है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी सीधे धारावाहिक तार के समांतर क्या करता हो, तैरता। मान लीजिए एक धारावाहिक चालक तार ले ली, धारावाहिक तार हो गया, और धारावाहिक तार के समांतर मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति क्या करता हो, तैरता। मान लीजिए बस एक व्यक्ति कोई क्या करता हो, तैरता। अगर ये व्यक्ति है तो व्यक्ति हाथ तैरेगा तो उसका क्या हो, मुंह नीचे को रहेगा, यानी कि इसका इधर दाया हाथ और इसका इधर क्या रहेगा, इसका बाया हाथ, यानी कि इसके दाहिने हाथ आपके इधर रहेगा और इसके इधर क्या रहेगा, बाया हाथ रहेगा, यानी कि ये इसका हो गया दाया और ये इसका होता है बाया। ठीक, अब इस क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग रखते हैं एक चुंबकीय सुई। मान लीजिए इसके नीचे आपके पास एक रखा हुआ है इस प्रकार चुंबकीय सुई रखा हुआ है। अगर ये चुंबकीय सुई रखते हैं तो इसका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो क्या कर रहे हैं एम्पियर का तैरने के नियम, यदि किसी सीधे तार के समांतर धारा की दिशा में कोई आदमी क्या करता हो, तैरता हो, उस तार के नीचे रखे गए जो चुंबकीय सुई है ना, इस सुई का जो उत्तरी ध्रुव होगा व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर क्या होता है, विक्षेपित होता है। यानी कि इस तार के नीचे जो रखा हुआ चुंबकीय सुई यहां पर किधर विक्षेपित हो जाएगा, व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर क्या होता है, आपका विक्षेपित हो जाएगा। यानी कि ये इसका बाएं हाथ इधर है तो बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगा। इसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम दिखा सकते हैं। व्यक्ति के ये आपका नॉर्थ आपका यहां पर चल जाएगा और साउथ आपका यहां पर आ जाएगा, ये आपका नॉर्थ आपका इस जगह चल जाएगा और साउथ आपका यहां पर आ जाएगा। इसलिए उसका परिभाषा यही लिखे कि एम्पियर का तैरने का नियम क्या है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी सीधे तार के समांतर धारा के दिशा में तैरता हो तो है ना, उस तार के नीचे रखे गए चुंबकीय सुई जो उत्तरी ध्रुव होगा व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर क्या होता है, विक्षेपित होता है। यही है एम्पियर का तैरने का। यानी कि यदि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा मान लीजिए इस प्रकार हो, उसके नीचे मान लीजिए चुंबक इस प्रकार रखा हुआ है, तो चुंबक के सुई जो उत्तरी ध्रुव होगा इस दिशा में क्या हो जाएगा, आपका विक्षेपित हो जाएगा। यह आपको होगा मान लीजिए उसके समांतर के आदमी तैरता हो तो व्यक्ति के बाएं हाथ के क्या होता है, आपका विक्षेपित होता है। ये हो गया आपका एम्पियर का तैरना के नियम। फिर आपके बाद इसके बाद हम लोग आते हैं स्नो का नियम। स्नो का नियम में क्या होता है, स्नो का नियम क्या, देखिए आप यदि किसी सीधे धारावाहिक तार से दक्षिण से उत्तर की धारा प्रवाह हो रही है, मान लीजिए दक्षिण से उत्तर की ओर, मान लीजिए लगाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, यदि किसी सीधे धारावाहिक तार से दक्षिण से उत्तर की धारा प्रवाह हो रही है, मान लीजिए हो गया धारावाहिक तार दक्षिण से उत्तर की धारा प्रवाह हो रही है, तो उस तार के नीचे रखे गए चुंबकीय सुई, मान लीजिए उसके नीचे रखा हुआ इस प्रकार कोई चुंबकीय सुई रखा हुआ है, ये चुंबकीय सुई मान लीजिए रखते हैं, इसका नॉर्थ पोल है, मान लीजिए इसका क्या है, साउथ पोल है। तो उस तार के नीचे रखे गए चुंबकीय सुई है ना, उसके जो उत्तरी ध्रुव होगा वो किधर विक्षिप्त हो जाएगी, पश्चिम की ओर विक्षिप्त हो जाएगी, यानी कि इस दिशा में क्या हो जाएगी, सुई विक्षिप्त हो जाएगी। इससे बिगर कैसे बनेगा, ये पश्चिम की सुई आपका
बिग चिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, ये नॉर्थ पोल, और ये जो साउथ है आपका यहाँ आपको चल जाएगा, पश्चिम को क्या होती है आपका विक्षेपित हो जाती है इस प्रकार। यही आपका है सुनोगे नियम। तो सुनोगे नियम क्या है, यदि किसी सीधे धारावाहिक तार से अगर क्या होती है दक्षिण से उत्तर की धारा प्रवाह हो रही है, दक्षिण से उत्तर की धारा प्रवाह हो रही है, तो उस तार के नीचे जो रखा हुआ ना चुंबकीय सुई, उस तार के नीचे रखा हुआ चुंबकीय सुई है, उस तार के नीचे रखा हुआ ये चुंबकीय सुई आपका है, ये आपका चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई की जो उत्तरी ध्रुव होगा वो किधर विकसित हो जाएगी, पश्चिम की ओर विकसित हो जाएगी, यानी कि ये इधर विकसित हो जाएगी, पश्चिम की ओर क्या होती है आपका ये विकसित हो जाती है, ये सुई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है आपका सुनोगे।